76. If each angle of a triangle is decreased by 10 degree, ratio of three resultant angles will be 6 is to 4 is to 5. Find out greatest angle of the triangle. 6 is to 4 is to 5. माने 6 plus 4 is 10 plus 5 is 15. 15 units plus 3 angle जहे तो 30 degree. ता माने 15x, it's a oral question, 15x plus 30 degree होची 180. So x equal to कहते? 3 is 180. माने 150, 150 by 15, 10. So x equal to 10 तो 6 यूनिट रा वैल्यू होची 60 है ईच एंगल कम करा है ची 10 सो 60 प्लस 10 होची 70 नेक्स्ट मूव करिए क्वेश्चन 77 अ फ्रूट सेलर परचेस्ड 20 केजी ऑफ एप्पल्स एट ₹300 आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी 2 केजी ऑफ एप्पल्स वेयर रॉटन हैला रॉटन है ची एट व्हाट प्राइस पर केजी ही शुड सेल बैलेंस क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स टू गेट 20% प्रॉफिट ओके 20% प्रॉफिट माने केते बिले 20% आउ जो 1 बाय 5 ता माने सीपी इज टू एसपी रेशियो होची 5 इज टू 6 अरे पूछो ना 20% आउ जो 1 बाय 5 ता माने 5 जदी होची कॉस्ट प्राइस 1 रा प्रॉफिट तो 6 6 यूनिट्स होची आपण सेलिंग प्राइस 5 यूनिट रा वैल्यू देची 300 राइट तो 6 यूनिट रा वैल्यू केते हो 360 ठीक अछि 2 केजी रॉटन हेइज टोटल थला 20 केजी 2 केजी रॉटन हेइज ता माने 18 यूनिट रा वैल्यू होची 360 ताले गोटे यूनिट केते ₹20 नेक्स्ट 78. A businessman gives 10% discount on marked price of a watch. If cost price of watch is ₹300, find out marked price at profit of 20%. Okay. 10% discount दिया हुआ है. Discount कहाँ कहाँ link करे? Marked price और selling price. ठीक है. 10% discount. Discount का calculate करना है marked price ऊपर. 10% मतलब 1/10. मतलब 10:9. ठीक. तापरे profit देगी 20%. Profit का कहाँ कहाँ link करे? Cost price और selling price को. ठीक है. 20% profit, 20% माने 1 by 5 माने यदि cost price 5, selling price 6, ठीक? Selling price 9 अच्छी, 8 6 अच्छी, same वाग था, same करिया पाई, 18 होची आंकरो, LCM ताले यादरे multiply कर भी 2, यादरे multiply कर भी 3, ताहले, next आमा ratio कौन पड़े आसला, cost price is to mark price is to selling price, को ratio आसची बिले? मतलब कौन तू, cost price टा होची, 3 into 5, 15, mark price टा होची, 20 आउ सेलिंग प्राइस टा होची 18 ठीक 15 यूनिट रा वैल्यू आपन के दे छी 15 यूनिट रा वैल्यू दे छी 300 हला 15 यूनिट रा वैल्यू जदी 300 ताहले 20 यूनिट रा वैल्यू केते हो 400 हो ऑप्शन सी नेक्स्ट 79 अ पर्सन डिपॉजिट 9000 इन अ बैंक आफ्टर 2 इयर्स ही विथड्रू 4000 एट द एंड ऑफ 5 इयर्स ही गॉट इत्ती की फ्रॉम द बैंक फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके याते टिके कैलकुलेशन करे पडियो हला सिंपल क्वेश्चन किछि नहीं याते सिंपल टिके कैलकुलेशन एटा को आपन होमवर्क ट्राई करन नेक्स्ट मूव करछ क्वेश्चन 80 व्हाट विल बी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स ऑन 5000 एट रेट ऑफ 40% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली गोटे वर्ष रे केतरा क्वार्टर बिले क्वार्टर माने बाय 4 करबी माने चारटा क्वार्टर गोटे वर्ष रे चारटा क्वार्टर बट हमहु करिया अछि 9 मास पई 9 मास माने 3टा क्वार्टर 3टा क्वार्टर जेहेतु 9 मास 3टा क्वार्टर तो 3 वर्ष रो कंपाउंड इंटरेस्ट रो कोड केते 331 कोड मेथड आपण पढैछि कोड मेथड पढैछि मु हला 331 होछि 3 वर्ष रो कोड 9 मास रे 3टा क्वार्टर सो 331 प्रिंसिपल होछि आपणकर 5000 अगेन एटा ओरल क्वेश्चन लेखा होछि खाली बुझैया को आपण मुहे मुहे करबी ओडा 40% पर एनम ताले गोटे क्वार्टर केते 40 बाय 4 10 ताले 10% होछि पर क्वार्टर ताले 5000 रो 10% केते गोटे जीरो कम होबो 500 रो 10% केते गोटे जीरो कम होबो 50 50 10% केते गोटे जीरो कम होबो 5 मल्टीप्लाई करंतु 1500 150 5 ऐड कर दियंतु दिस इज 1650 प्लस 1655 ऑप्शन बी 81 लेंथ ऑफ थ्री रेक्टेंगल्स हैविंग इक्वल एरिया ओके इक्वल एरिया आर 24 12 8 ओके 24 12 8 व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर ब्रेथ रेशियो कथा कहि छी फर्स्ट तो सिंपलेस्ट रेशियो नि जानतु 24 12 8 4 रे काटले केते होछ 4 रे काटले 6 8 लगुछ 6 इज टू 4 रे काटले दिस इज 3 दिस इज 2 हला एटा होछ रेशियो ऑफ लेंथ फिले हला लेंथ रेशियो मत दरकार ब्रेथ रेशियो हला एरिया कांस्टेंट त माने ब्रेथ रेशियो सिंपली इनवर्स हिजो ब्रेथ रेशियो सिंपली इनवर्स हिजो यार 1/6:1/3:1/2 यांको एलसीएम केते 6 6 यदि मु मल्टीप्लाई करबी सब गोडा त एटा हिजो 1 एटा हिजो 2 एटा हिजो 3 ऑप्शन डी
82, a cube of wood of side 12 cm was cut and formed into largest sphere. Find out volume of this sphere. Okay. गोटे क्यूब भितर गोटे लार्जेस्ट स्पीयर आम बाहर करा काटिकी ना मतलब कमन सेन्स गोटे जिनस कौन से जो स्पीयर थी स्पीयर डायमिटर के देव 12 सेंटीमीटर है अरे क्यूब भितर लार्जेस्ट स्पीयर आम काटा तो मैंने स्पीयर स्पीयर टा क्यूब प्रति साइड को टच कर स्पीयर डायमिटर थी 12 जो डायमिटर 12 तो रेडियस के देव 6 जब रेडियस 6 तो मैंने वॉल्यूम के 4/3 बाय 6 × 6 × 6 तो दिस इज 2 4 × 2 हो 36 होची केते 288 और थिला पाए तमे 288 पाए ऑप्शन ए अरे बुझचंदा नाही म एई जिंस म कोलेडा कोन बुझियारे कोनटा जेडा सिंपल जिंस आपण देखंतु गोटे क्यूब अछि क्यूब टा होची गोटे 3D फिगर 3 डायमेंशनल फिगर मु खाली तार फ्रंट फेस आपण देखौची फ्रंट फेस टा को टाइप थिबो गोटे स्क्वायर टाइप थिबो कि नाही गोटे स्क्वायर टाइप थिबो फ्रंट फेस ता भीतर म लार्जेस्ट स्पीयर कट करबी त से स्पीयर टा प्रति साइड को टच करथु कि नाही क्यूब रो এই টাইপ থিব কি নাই যেহেতু কিউব র প্রতি সাইড হচ্ছে 12 সেন্টিমিটার তাহলে স্পিয়ার র রেডিয়াসটা 12 সেন্টিমিটার হয়ে দিও আরে খালি ফ্রন্ট পার্টটা আপনি দেখো যেটা 3D ফিগার হচ্ছে কিউব 3 ডাইমেনশনাল ফিগার আমরা পার্ট আমি লিখুচন্তি কোডি আমি লিখুচন্তি 2D প্লেন রে ঠেলা টিকে ইমাজিন করন্তু হলা সো যেহেতু ডায়ামিটার 12 রেডিয়াস হচ্ছে 6 হলা 83 অসীম পারচেজড রাইস ফর রুপিস 800 হি সোল্ড 3/4 of purchase right as rice at profit of 10% and rest part at loss of 10%. Find out percentage of profit or loss in selling the total rice. Okay. पहले ये ठीक आपन को आंसर दे ची परसेंटेज रे मैं आपन को बारंबार कही ची यदि परसेंटेज की रेशियो रे आंसर दिया है ची तो हले एक्चुअल नंबर दरकार नहीं एक्चुअल नंबर रे कैलकुलेशन करले आपन को कैलकुलेशन लेंदी हो ये 800 किसी रेलिवेंस नहीं है ये जिनसोड़ा सीखंतु हेला ये जिनस परीक्षा टाइम पड़ा ये 800 किसी दरकार ना कहीं आप आंसर परसेंटेज रे परसेंटेज की रेशियो हूँ कंपेरिजन है आक्चुआल नंबर जब आंसर देता है 800 दरकार होता बट जो आक्चुआल नंबर आंसर दिया है सो 800 दरकार ना खाली 3/4 दे 3/4 मैंने टोटाल आम 40 मान दवा रेशियो दरकार आमको 40 की 4 मानतु टोटाल जब 40 थी तार 3/4 हूँ 30 और रेस्ट पार्टा कौन 10 ठीक अच्छे 30% कही फर्स्ट हूँ 10% प्रॉफिट 10% तीन प्रॉफिट तमाने 33 आउ गोटे पार्ट रे 10% लॉस 10 × 10% के एक एक लॉस है 9 33 + 9 हूँ 42 ठीक अच्छे कॉस्ट प्राइस 40 सेलिंग प्राइस 42 प्रॉफिट केते रही बोले प्रॉफिट है 2 ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑन द बेस ऑफ 40 ठीक अच्छे दिस इज 1/20 1/20 के 5% व्हिच इज 5% प्रॉफिट क्वेश्चन 84 अ सेलर मार्क्ड अ सेलर मार्क्ड द प्राइस ऑफ 460 ऑन अ साइकिल एंड सोल्ड इट गिविंग 25% डिस्काउंट 25% डिस्काउंट मार्क दे डिस्काउंट लिंक करे मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस को 25% हो 1/4 जे 4 हो छी मार्क प्राइस 3 हो छी सेलिंग प्राइस इफ ही गॉट 15% प्रॉफिट प्रॉफिट का को लिंक करे कॉस्ट प्राइस आउ सेलिंग प्राइस 15% ता केते फ्रैक्शन रे 5% टा होची 1/20 15% टा होची 3/20 3/20 हेले जदि 20 होची मोर कॉस्ट प्राइस 3 रा प्रॉफिट 23 एठी अछि 3 एठी अछि 23 ताले सेम केमदि करिया याद हरे मल्टीप्लाई करबी 23 याद हरे मल्टीप्लाई करबी 3 मो अप्रोच मार्क करन तो बिले हला को अप्रोच मे क्वेश्चन सॉल्व करूची ए अप्रोच ही आपन को परीक्षा रे एडवांटेज दबो कॉस्ट प्राइस इज टू फाइनल रेशियो लिखिबी मर्ज रेशियो कॉस्ट प्राइस इज टू मार्क प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस को रेशियो आछी देखंतु कॉस्ट प्राइस को 3 इनटू 20 होची 60 मार्क प्राइस कोठी अछि 4 इनटू 23 होची 92 सेलिंग प्राइस कोठी अछि 3 इनटू 23 होची 69 राइट ठीक छ हां ठीक अछि ताले पचार जी कोन देहि जी आपन को मार्क प्राइस ता हो 460 माने 92 यूनिट्स ऑफ वैल्यू होची 460 थला पचार छी कोन फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस 92 जो 460 माने 5 टाइम्स ताले 60 रो वैल्यू केते हो 60 इनटू 5 300 ऑप्शन सी क्वेश्चन 85 फाइंड आउट सम ऑफ द सीक्वेंस दिस अप टू 16 टर्म्स इट आउट टेलीस्कोपिक सीरीज चल जेबिले दिस इज अ टेलीस्कोपिक सीरीज आम चैनल रे अलजेब्रा फॉर एएसओ प्लेलिस्ट चेक करिवे गोटे कंप्लीट क्लास मु करैथिली आ उपरे टेलीस्कोपिक सीरीज केमती आइडेंटिफाई करिवे हला सो ता सेटा चेक कर देबे देखंतु 16th टर्म कहि छि फर्स्ट ता होची 5 इनटू 6 तापर 6 इनटू 7 ता माने जेहेत सबडा एपी रे चलची अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रे 15th सॉरी 16th टर्म कहि छि 16th माने
फर्स्ट टर्म टा आपनको छि 5 5 इनटू 6 छि त माने 5 प्लस 16 दरकार a प्लस n माइनस 1 इनटू d 5 प्लस n n टा होची 16 16 माइनस 1 15 15 इनटू कॉमन डिफरेंस होची 1 इनटू 1 इक्वल टू 20 त माने 16th टर्म टा होची 20 हला त माने कोन थिवो 16th टर्म रे थिवो तळे आसना एटी थिवो लास्ट टा 20 इनटू 21 हला 20 इनटू 21 ठीक बुझ पाछो तहले यार सम टा पचार छ टेलिस्कोपिक सीरीज रो डायरेक्ट फार्मूला होची 1/5 माइनस लास्ट टर्म टा होची 1/21 पढ़े ही डिटेल रे चेक कर देबे क्लास हला अलजेब्रा फॉर एएसओ फर्स्ट की सेकंड क्लास से मिल जीव आपन को दिस इज 105 105 ले दिस इज 21 माइनस 5 होची 16 ऑप्शन ए 86 ए फिनिश्ड 3/10 ऑफ वर्क इन 9 डेज फॉर कॉलोनी ओके 3/10 काम करूची 9 दिन रे 3/10 त माने टोटल काम के दिन रे करियो टोटल काम करियो 9 इनटू 10 बाय टोटल काम टा होची 1 ना टोटल काम टा होची 1 गोटे कामर 3/10 पार्ट करूची 9 दिन रे टोटल काम के दिन करियो 9 इनटू 10 बाय 3 व्हिच इज 30 अरे बुचन ना 3/10 काम करूची 9 दिन रे टोटल काम टा होची 1 यूनिट 9 इनटू 10 बाय 3 व्हिच इज 30 बुझि परले ता पर कोन कहिची ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट रेस्ट ऑफ द वर्क इन 7 डेज 3/10 काम हो सारी आउ बची के काम आउ बची काम 7/10 एति को करूची के दिन रे 7 दिन रे ठीक अछि ताले टोटल काम होची 1 यूनिट केते हबो ताले 70/7 व्हिच इज 10 राइट त माने ए प्लस बी टोटल काम करचंती 10 दिन रे ठीक ताले क्वेश्चन होची ओरल क्वेश्चन बिले खाली लेखा होची आपन बुझियाबो पेन पिकर दरकार नै सब क्वेश्चन दे आपन को पेन पिकर दरकार यदि को प्रैक्टिस होची ताले ए इज टू ए प्लस बी टाइम केते लागो देखन तो 30 आउ एटा 10 एटा एटा होची टाइम रेशियो ताले एफिशिएंसी रेशियो केते हबो 30 10 3 is to 1 ता माने 1 is to 3 हबो एफिशिएंसी रेशियो इनवर्स हला कहि छी इफ बी वर्क्स अलोन हाउ मेनी डेज ही वुड हैव टेकन टू कंप्लीट द एंटायर वर्क टोटल वर्क केते एफिशिएंसी इनटू टाइम धरन तो 30 इनटू 1 तन टोटल का वर्क हो 30 बी रो एफिशिएंसी केते ए प्लस बी मिसना 3 यूनिट हाउ खाली ए रो एफिशिएंसी होची 1 ताले बी रो एफिशिएंसी केते हबो 2 यूनिट ताले बाय 2 होची 15 ऑप्शन डी 87 root 3 plus root 2 by this equal to this okay find out a and b rationalize करिया पड़ियो या को rationalize करिया पड़ियो देखो तो कैसे करिया root 3 plus root 2 by root 3 minus root 8 rationalize करिया पहिं तोड़े conjugate multiply करिया पड़े यार conjugate टा कहते conjugate टा हवा root 3 plus root 8 ताने ऊपर multiply कर भी root 3 plus root 8 अरे so तोड़ा तो हो a plus b into a minus b तमें 3 minus 8 which is minus 5 तोड़ा आपन करो minus 5 है गला ऊपर टा कौन हो देखो तो multiply करो तो root 3 into root 3 हो ची 3 plus root 3 into root 8 हो ची root 24 plus root 2 into root 3 हो ची root 6 plus root 2 into root 8 हो ची root 16 राइट रूट 16 टा त मु डायरेक्टली लिखि परबी होची 4 रूट 16 टा होची 4 रूट 16 जो 4 हे गेला 4 प्लस 3 होची आपण कर 7 7 प्लस रूट 24 24 टा होची 4 इनटू 6 हला यार रूट ओवर अछि 4 यार रूट ओवर कते 2 त माने दिस आई कैन राइट 2 रूट 6 हला 24 रूट 24 टा को आई कैन राइट 2 रूट 6 हला 2 रूट 6 प्लस रूट 6 होची केते 3 रूट 6 तमाने दिस इज 7 प्लस 3 रूट 6 बाय माइनस 5 दिस इज माइनस 7 बाय 5 तापरे फुनी एटा आछ माइनस माने माइनस 3 रूट 6 बाय 5 ठीक अछि ताहले ए रो वैल्यू टा केते होछि बिले ए रो वैल्यू टा होछि माइनस 7 बाय 5 आ जदि एटा प्लस हे गला ताहले प्लस हे आ गोटे माइनस एट रहियु राइट तमाने गोटे होछि माइनस 7 बाय 5 आ गोटे माइनस 3 बाय 5 ऑप्शन डी Question 88. A batsman score, makes a score of 95 in the 16th innings and thus increases average by 4 runs. 95 score club average body of 4 runs. Find his average runs after 16th innings. Okay. So the average ra concept clear achhi, ethi apanku x mania darkar nahi bilkul. Ala orally question hai jibo. 95 score kale average body of 4 runs. Tale initial average kethila? 16 innings re. त माने 95 माइनस 16 इनटू 4 होची 64
which is 31 ता माने इनिशियली एवरेज थिला 31 तापर 16th इनिंग्स पर एवरेज 4 रन बढ़ी जाउछ ता माने 31 प्लस 4 व्हिच इज 35 ऑप्शन ए. क्वेश्चन 89 अ बोट कैन रन कैन रो 5 किलोमीटर्स अगेंस्ट स्ट्रीम इन 30 मिनट्स एंड रिटर्न इन 20 मिनट्स फाइंड द रेट ऑफ करंट. ओके 5 किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम माने अपस्ट्रीम जाउछ बोट माइनस स्ट्रीम दिस इज डिस्टेंस बाय टाइम होची आपन को 30 मिनट्स माने आवर रे कते हाफ आवर त 5 * 2 होची 10 त माने डाउन स्ट्रीम होची बोट प्लस स्ट्रीम व्हिच इज 5 किलोमीटर टाइम लागुची 20 मिनट 20 मिनट घंटा रे कते 20 बाय 60 1 बाय 3 माने 5 * 3 होची 15 ऐड कर देले कोन हो 2 बी रो वैल्यू होची 15 त माने बी रो वैल्यू कते हो बी रो 2 बी रो वैल्यू 25 सॉरी 10 प्लस 5 25 2 बी टा जदी 25 तले बी टा होची आपन को 12.5 जदि बीटा 12.5 तले एस्टा केते हो एस्टा होची 2.5 हो राइट तमने ऑप्शन बी हो करेक्ट. 90 थ्री नंबर्स आर इन रेशियो 4:5:6 एलसीएम होची 4500 फाइंड देयर एचसीएफ. ओके 4x अगोटे होची 5x अगोटे होची 6x एंको एलसीएम केते बिरे 5 4 6 30 30 टू 2 60 60x होची एलसीएम 60x रो वैल्यू देची 4500 ताले x रो वैल्यू केते हो 4500 बाय 60 00 कैंसिल दिस इज 75 ताले x रो वैल्यू आसला 75 यांकर hcf पचार जी 4x 5x 6x यांकर कॉमन फैक्टर कोन कॉमन फैक्टर होची x ता माने आंसर होबो 75. नेक्स्ट 91 मिक्सचर ऑफ 200 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर गोटे होची मिल्क आ गोटे होची वाटर 10% वाटर 10% अछि वाटर मु टिके रेशियो टा एमिति लिखले कैलकुलेशन टा इजी हो लेट्स से वाटर और मिल्क कर दो छी हला 10% जदी वाटर दिछि 90% थियो मिल्क त माने 1:9 रेशियो थियो ठीक ता परे हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड सो दैट वाटर बिकम्स 20% इन न्यू मिक्सचर 20% होची वाटर 20% वाटर माने मिल्क हो 80% त माने 1:4 रेशियो हो माने 1:4 बट हमें ऐड कर चंती वाटर जेहेतु वाटर ऐड कर चंती ताले मिल्क पार्ट टा को सेम करिया पडियो ए जो मिल्क पार्ट टा को सेम करिया 4 आउ 9 हला सेम कोन यांको एलसीएम होची 36 ता माने फर्स्ट रेशियो रे मल्टीप्लाई करिया 4 याते मल्टीप्लाई करिया 9 नोआ रेशियो होची 4:36 9:36 ताले 4 रु 9 केते यूनिट ऐड करले 5 यूनिट हमें ऐड करले हला टोटल देखंतु 4 प्लस 36 होची 40 यूनिट्स ऑफ वैल्यू 200 तो 1 यूनिट रो वैल्यू 5 ताले ऐड करचें ते हमें 5 यूनिट मिले 5 यूनिट रो वैल्यू केते हो 25 ऑप्शन सी. क्वेश्चन 92 अ वायर कैन बी बेंट इन फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस होची एति की इफ इट इज बेंट इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर व्हाट विल बी इट्स एरिया. ओके बेंट करा होची बेंट करना बेंट करले बेसिकली कोन सेम रहयो पेरिमीटर सेम रहयो हला पेरिमीटर तो सर्कल रो सर्कमफेरेंस और स्क्वायर रो पेरिमीटर सेम होगा था सर्कल तक सर्कमफेरेंस फॉर्मूला लागन 2 पाई आर 2 बाय 22 बाय 7 आउ आर ता होची आपनकर 28 दिस इज इक्वल टू पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर स्क्वायर रो पेरिमीटर केते 4 इनटू साइड ठीक ताले दिस इज 4 4 4 चारि आडो कैंसिल ताले साइड ता केते असला साइड ऑफ स्क्वायर आपनकर असला 44 जदि साइड ऑफ स्क्वायर 44 आसला ताले साइड स्क्वायर टा केते हो एरिया पचार छी 44 स्क्वायर 44 स्क्वायर टा केते हो दिस इज 1936. 93 एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ होची 25 इयर्स 25 इयर्स में टोटल टा होची 50 वर्ष आफ्टर 6 इयर्स आफ्टर 6 इयर्स दे हैव वन ईयर चाइल्ड दे हैव वन ईयर चाइल्ड. ओके 6 वर्ष परे हस्बैंड रो भी 6 वर्ष बढ़थिबो वाइफ रो भी 6 वर्ष बढ़थिबो माने टोटल टोटल बढ़थिबो 12 वर्ष 62 हला चाइल्ड रो होची 1 ईयर टोटल हला 63 पचार छी कोन एवरेज एज ऑफ फैमिली ता माने 63 बाय तीनटा लोक फैमिली रे दिस इज 21. 94 बोट कैन मूव 9 किलोमीटर्स पर आवर इन स्टिल वाटर इफ The river is running 3 km per hour. It takes 90 minutes to move to a place and back. How far is the place? Okay. गोटे होची आपण अपस्ट्रीम आ गोटे होची डाउनस्ट्रीम हला रिवर रो बोट रो स्पीड होची 9 किलोमीटर पर आवर रिवर रो होची 3 किलोमीटर पर आवर ताले अपस्ट्रीम स्पीड केते हेतिवो 9 माइनस 3 होची 6 डाउनस्ट्रीम हेतिवो 9 प्लस 3 होची 12 हला जेहेतु कहिची टेक 90 मिनट्स टू ए प्लेस एंड बैक त माने डिस्टेंस कांस्टेंट अछि जदी आपन कर टाइम फ्री डिस्टेंस डिस्टेंस कांस्टेंट थाए
डिस्टेंस जदि कांस्टेंट थाए ताले स्पीड रेशियो और टाइम रेशियो इनवर्स हुए। एठी हमें लिखिले कोन बिले हमें स्पीड रेशियो लिखिले ताले टाइम रेशियो कोन हेतिबो इनवर्स हेतिबो 12:6 हेतिबो व्हिच इज 2:1 ताले टाइम रेशियो हेतिबो 2:1 बुझचंदा नाही गोटे प्लेस को जीवा पर रिटर्न आसीबो ताले कोन कांस्टेंट होची डिस्टेंस कांस्टेंट होची डिस्टेंस कांस्टेंट ले स्पीड रेशियो टाइम रेशियो इनवर्स हला ताले 2:1 होची टाइम रेशियो 3 यूनिट रो वैल्यू आपन को देई छी केते 90 3 यूनिट रो वैल्यू जदि 90 ताले 2 यूनिट रो वैल्यू केते 60 60 मिनिट हला ताने घंटा डे ता माने 1 आवर रे होची 6 ताले डिस्टेंस केते 6 × 1 6 ऑप्शन सी। क्वेश्चन 95 सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स होची 1500 3 इयर्स से 1500 प्रति वर्ष सेम रहे एसआई ताने वर्ष को होची 500 हला 10% पर एनम गोटे प्रिंसिपल रो 10% 500 ता प्रिंसिपल ला केते हेतियो प्रिंसिपल ला 5000 अरे बुझछो ना नै मो 5000 हेतियो प्रिंसिपल पचार छी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम सेम ओके 3 वर्ष पई पचार छी सीआई 3 वर्ष रो कोड होची 331 प्रिंसिपल होची 5000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 10% 5000 केते 500 या 10% होची 50 या 10% होची 5 दिस इज 1500 दिस इज 150 एंड दिस इज 5 ऐड करले केते होची दिस इज 1655 ऑप्शन ए। 96 Hari read 7/15 pages of a book in first week, 5/12 of remaining of the book in second week. If there are 56 pages unread after second week, how many pages are there in the book? Percentage ki ratio class hai, apnu theory class hai, apnu padhi thi bhi. Jo thi bhi fraction re number diya hai thay, apnu total le usabale mananti denominator ka product. Kaun kahili denominator ka product? Denominator ka LCM ho. Denominator ka product. Denominator kete achi? Thare 15 achi, aur thare achi 12. यांको प्रोडक्ट टाको मना हुए टोटल दिस इज 180 ठीक अछि 180 टोटल हला ताहले चेक कर दवा 180 जदि पेजेस टोटल पेजेस को मान ली 180 एटा मान ली तार 7/15 चेक करू केते होची 12 इनटू दिस इज 12 12 7 84 त माने फर्स्ट वीक हला 84 तापरे 5/12 ऑफ रिमेनिंग 180 रो 84 पळेला बचे 96 96 रो 5/12 होची 40 त माने ओ हला 40 ऐड करले केते होची बलेटा दिस इज 124 आ बंचिला केते बंचिला 56 56 ही 80 अछि नै रिमेनिंग हला त हम सटिस्फाई कर जाउ 180 आंसर हो 97 सम ऑफ टू नंबर्स होची 42 एंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स होची 6 अराउंड 72 रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर्स ओके सम ऑफ टू नंबर्स होची 42 एचसीएफ ता होची केते 6 ताले गोटे नंबर अछि 6x गोटे नंबर हो 6x आ गोटे नंबर को मजिम करबी 6y व्हेयर x एंड y आर को प्राइम टू ईच अदर एटा होची आपन को प्रथम नंबर एटा होची सेकंड नंबर यांको सम देजी केते बिले 42 त माने x प्लस y आपन को आसला 7 बुझी परले व्हेयर x एंड y आर को प्राइम टू ईच अदर ये गला फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट होची तांको एलसीएम देजी 72 त माने मु कहि परबी 6xy ता देजी 72 व्हेयर x एंड y आर को प्राइम टू ईच अदर ताले xy रो वैल्यू केते हला 12672 माने 12 ठीक अछि को दुटा नंबर रो सम होची 7 आउ प्रोडक्ट 12 कोन 4 आउ 3 4 आउ 3 आउ 4 आउ 3 को प्राइम भी अछि त माने सटिस्फाई कर जाउछ त माने नंबर्स कोन होबो 6 × 4 गोटे होची 24 आ गोटे 6 × 3 18 यांकर रेसिप्रोकल कहि छि कले केते होची दिस इज 72 72 कले दिस इज 3 प्लस 4 होची 7/72 ऑप्शन ए। नंबर सिस्टम रो टिके कांसेप्ट आपन क्लियर दरकार हला बुझ बुझी पाला त काही गडा कली हां एही पार्ट ता जदी आपन नंबर सिस्टम कांसेप्ट क्लियर अछि ताहाले बुझ पारतिबे ए जो एच एक्स वाई इक्वल टू एलसीएम वेयर एच इज द एचसीएफ एक्स एंड वाई आर कोप्राइम टू ईच अदर बुझ पारले। 98 फ्रॉम पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री If the tower is 346 meter high, distance of the point from the foot of the tower. बहुत simple इटा होची 30, 60, 90 triangle. अपुन टेक concept मो already geometry रे पढ़ी थी, but still मुटी क्या कही देवी? हैला? धरम तो इटा होची 60 degree, इटा होची 30 degree, इटा overall question बिले. हैला? इटा 30 degree, इटा हो 90 degree. ठीक? 90 opposite इटा जो दी थाय x, 30 रा opposite इटा हुए तारा half, x by 2, और 60 रा opposite इटा हुए तारा root 3 times. रूट 3/2 एक्स ए रेशियो रे रहे साइड्स वेला व्हेन इट्स अ 30 60 90 ट्रायंगल ताल जदी इटा आपण बुझिले तर इटा मे कर दो बहुत सिंपल इटा 30 60 90 ट्रायंगल 60 डिग्री अछि ता अपोजिट आपण देई छी 346 हला त
ताहले 30 डिग्री एटा थिबो ता अपोजिट टा केते हबो हबो 346 बाय रूट 3 ठीक ता माने रूट 3 रो वैल्यू दिछि 1.73 346 बाय 1.73 होची 200 एत्ते जिंस करियार नथला जहा को ए कांसेप्ट जणा थिबो से देखु देखु आंसर मार्क कर दो 200 जोटी अलगा पिला सॉल्व करिवे याको 2 मिनिट लागबे तम हला भाउची आमो स्टूडेंट थिबो से क्वेश्चन ओरली करना पड़ेबो नेक्स्ट क्वेश्चन 99 60% ऑफ दिस एटा त अपन निजे कर पाइबे एटा सिंपल होमवर्क एटा मु करिवे एटा ओरल क्वेश्चन आय एटा कोन एटा छोटो छुआ क्वेश्चन क्वेश्चन 100 कोन कहि जेडी ए इन्वेस्ट 20% मोर देन बी ए इज टू बी हला 20% मोर देन बी 20% आजु 1/5 त माने एटा 5 एटा हबो 6 तबर बी इन्वेस्टेड 25% लेस देन सी बी इज टू सी कंपैरिजन करा हिची देन सी सी जदि हला 4 दिस हैज टू बी 3 हला एटी बी टा 5 अछि एटी 3 अछि मर्ज केमति करिया या धरे मल्टीप्लाई करिया 5 या धरे मल्टीप्लाई करिया 3 ताहले रेशियो मर्ज हे जीवो केते होछि ताहले ए इज टू बी इज टू सी रेशियो केते हला 18 इज टू 15 इज टू 20 हला कहि छि टोटल सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट होछि 2650 टोटल टा केते होछि पिले टोटल टा होछि 35 प्लस 18 ता माने 35 प्लस 18 माने 53 हला 53 यूनिट्स ऑफ वैल्यू देछि 53 यूनिट्स ऑफ वैल्यू देछि आपन को 2650 ताले 1 यूनिट रो वैल्यू केते 5 हां ठीक अछि ताले 1 यूनिट रो वैल्यू होछि 50 राइट 50 छि कोन व्हाट अमाउंट बी इन्वेस्टेड बी रा इन्वेस्टमेंट माने 15 यूनिट 15 * 50 होछि केते 750 ऑप्शन सो एटी कंप्लीट पेपर में सॉल्व कर देले हैना एटा होची रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2021 हैना सब क्वेश्चन हमें एग्जाम अप्रोच करचंती परीक्षा रे जेमती करिया कथा पूरा बेसिक अप्रोच करले परीक्षा भी क्लियर होबनी बेसिक पई आपण हमरो बेसिक वीडियोस चेक करिवे सब जिंस क्रिस्टल क्लियर हो थैंक यू सो मच